चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले कुछ घंटों में इसी जगह पर देगा दस्तक। जी हाँ, ये वही इलाका है जहां पर आशंका जताई गई है कि ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है ये लैंडफॉल करेगा, यानी कि इसी जगह पर आकर के वो जमीन से हिट करेगा। और अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी तो उसके आने की बस आहट भर है, और किस तरीके की तस्वीरें हैं इस जगह पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह की मदद से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तेज हवाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन उन तेज हवाओं का असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है, जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर बाकायदा, क्योंकि एक बीच का एरिया है, यहाँ पर कई तरह की दुकानें बनी हुई थी। कल भी जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो ये दुकानें उसी तरीके से खड़ी हुई थी, हालांकि इनके त्रिपाल उड़ रहे थे, लेकिन आज तो ये जमींदोज हो चुकी हैं। देखिए किस तरीके की जो तस्वीरें हैं इस वक्त यहाँ पर, अगर हम इस जगह की बात करते हैं तो ये जमींदोज हो चुका है, और इसी के पास में एक और दुकान है। ये कब तक खड़ी रहेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका भी जो ऊपर का त्रिपाल है वो पूरी तरीके से फट चुका है, और ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार क्या है। और बीच बीच में यहाँ पर समुद्र का पानी भी आ रहा है, ये देखिए। हालांकि अभी तो यहाँ पर लहरें नहीं पहुँच रही हैं, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस जगह पर समुद्र की लहरें भी पहुँचती हैं। और आशंका ये है कि जब ये तूफान, जब ये चक्रवाती तूफान इस जगह पर हिट करेगा, तो फिर ये तो छोड़िए, इसके आसपास का जो पूरा इलाका है ना, ये उसको भारी नुकसान हो सकता है कुछ इसी तरीके से। और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि जो कच्चे मकान हैं उनमें से लोगों को शिफ्ट किया जाए, वरना कुछ इस तरीके से अचानक भरभरा के गिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, और इसी वजह से ये खतरा इतना बड़ा है। और ये वो जगह है जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि मांडवी से जकाओ के बीच में कहीं पर भी लैंडफॉल हो सकता है, लेकिन उसका असर ये जो पूरा इलाका है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर असर होगा भारत में तो यही वो जगह है। इसी वजह से देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, तेज़ बारिश होती है, तेज़ बारिश के बाद में जो लहरें हैं वो यहाँ तक पहुँचती हैं, और पानी यहाँ तक आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि समुद्र यहाँ से करीबन, मैं ये कह सकता हूँ कि 100 से 150 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ तक तो पानी पहुँच चुका है, समुद्र की लहरों का भी, बारिश का भी। और ये खतरा इसी वजह से इतना बड़ा है। यहाँ पर और थोड़ी सी अगर आपको निशान दिखाना चाहें तो किस तरीके से, ये देखिए, जितने भी ये बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन है, लेकिन उसका भी काफ़ी हिस्सा यहाँ पर फटा हुआ नज़र आ रहा है। जो ऊपर के जो है तार होते हैं वो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, एक और ये शेड होता है कि जब जो है टूरिस्ट आते हैं, बीचेस पे आते हैं तो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। तो ये तस्वीरें मांडवी बीच की हैं, जहाँ पर तबाही के निशान तो अभी से नज़र आने लगे हैं, जबकि अभी तो इस चक्रवाती तूफान के आने की महज आहट भर है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, IBP News, मांडवी।